ये वेपन्स दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस्तेमाल करने थे, ये वेपन्स पाकिस्तान के आम शहरियों के खिलाफ नहते शहरियों के इस्तेमाल के लिए नहीं थे। ख्वातीन हज़रात, ये वेपन्स अमेरिकन अवाम का अतिया था, एक गिफ्ट था पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को। इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और पाकिस्तान में तवक्को करूंगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप इस पे ज़रूर इन्वेस्टिगेट करेगी और इसकी तय पे पहुंचेंगे कि लीथल ऑटोमेटिक वेपन्स, हैवी कैलिबर वेपन्स जो 800 और 1000 मीटर की रेंज पे मार करते हैं, वो 200 और 150 मीटर की रेंज पे उनको क्यों इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ वो फोटोग्राफ्स भी आपने देखे होंगे, वो फुटेज जहाँ पे एक नमाजी कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा है और एक रेंजर का सिक्योरिटी के एहलकार आके उसका ऊपर से धिक्का दे रहा है, मेरे रोंडे खड़े हुए जिस वक्त, वो मैंने फुटेज देखी। ये जंगेज खान की वक्त की उसके सिपाही शायद करते होंगे, या मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान की फौज से तवक्को की जा सकती है, पर पाकिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये चीज की तवक्को और देखना, शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता हूं, मैं तवक्को करूंगा मुसल्ला अफाज के सरबरान से, रेंजर्स के सरबरान से, कि वो अफसरान जो वहां पे तैनात थे उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। वो शख्स जिसने वो धिक्का दिया उस नमाजी को और वो शदीद जख्मी हुआ, उस शख्स को एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी जानी चाहिए। ये हमारी नेशनल कॉन्शियसनेस, उसको इस चीज ने हिलाया है। ख्वातीनो हज़रात, मेरे अपने स्टाफ के 4 मुलाजमीन जिनका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, वो 2 दिन से, और मेरी 2 गाड़ियां 2 दिन से, वो हरिपुर के मुकाम से, हरिपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको गैप किया हुआ है। उनके सिग्नल्स सुबह तक आ रहे थे फोन के, उसके बाद उनको गैप किया गया है। मैं डिमांड करता हूं इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान को कि उन गरीब मुलाजमों को फिल फॉर रिहा किया जाए, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। जो लोग इनफोर्स डिसअपीयर्ड पर्संस हैं उनको फिल फॉर रिहा किया जाए, ये हमारी डिमांड्स हैं। हमारा ये धरना या एहतजाज जमहूरियत के लिए जारी था, जारी है और जारी रहेगा। बुशरा बीबी वजीर आजम इमरान खान साहब की अहलियां हैं, उन पे और उसके साथ साथ वजीर आला साहब पे जो कातलाना हमला हुआ उसकी जरूर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूं कि वो ट्विटर पे और बाकी फीड्स पे, मीडिया के फीड्स पे आपने देखा होगा कि एक काले रंग की लैंड क्रूजर, उसका पिछला शीशा लेफ्ट साइड का, बाएं हाथ का, वो टूटा हुआ है। उसको एक आर्मर पियर्सिंग बुलेट ने हिट किया जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुद फायर किया। वो गाड़ी जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योरिटी फोर्सेस या इंटेलिजेंस वालों की थी। तो इस तरह के लोग जो कि जिनकी ट्रेनिंग भी सही नहीं थी, वो अपने ही लोगों पे, अपने इंटेलिजेंस के लोगों को या अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग कर रहे थे, तो आप अंदाजा लगा लें कि क्या हाल होगा। इसके साथ साथ जो रेंजर्स की या औरों की शहादतें हुई हैं उस पर जरूर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने वजीर आला अली अमीन खान साहब की क्यादत में 60 से ज़्यादा पंजाब पुलिस के एहलकारों को मॉब से छुड़वाया और उनको बाइज्जत तौर पे वापस किया। बजाते खुद मैंने, और वो फुटेज मेरी अपलोड भी हो गई है मेरे मुख्तलिफ अकाउंट्स पे,
5 पंजाब पुलिस के सिपाही, एक हवलदार और बाकी लोगों को खुद मैंने एक शख्स की गाड़ी में बिठा के सेफ मुकाम पे पहुंचाया। उन्होंने शुक्रिया अदा किए। हम पुरमन लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान भले फूले, वजीर आजम इमरान खान साहब जल्द अज जल्द बाजियाब हों और बाहर आए। मैं ये भी गुजारिश करूंगा जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं कि इस गैर कानूनी और गैर इखलाकी हुकूमत से अपने आप को अलहदा करें। ये हुकूमत जो है ये किसी आइनी तौर पे नहीं बनी, ये हुकूमत सेक्टर कमांडर्स और इलेक्शन कमीशन के बलबोते पे फॉर्म 47 के जरिए बनी है। ये हुकूमत की बुनियादी गैर कानूनी गैर आइनी है। और जहाँ तक बाजगश्तें हैं कि गवर्नर्स रूल खैबर पख्तूनख्वा पे लगाने का, यहाँ पे शाहबाज शरीफ सुन लो, यहाँ पे हमारा वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर साहब हैं, ये पख्तूनों की सरजमीन है। पख्तूनों को और इस सरजमीन को तुमने निगलने की कोशिश की, तुम उसका पछतावा हमारे आने वाली नस्लें भी करेंगी। हम लोग बाइज्जत और हम लोग गैरतमंद लोग हैं। हम लोग फेडरल गवर्नमेंट की इस चाल से न डरते न डरेंगे, डट के मुकाबला करेंगे आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे। लोगों ने वोट वजीर आजम इमरान खान साहब को दिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहली चीज ये है कि नैब की टीम वो या आ रही है इस वक्त, तो सबसे पहले वो जाए नवाज शरीफ को अरेस्ट करे, जो लैंड क्रूजर्स उसने हड़प किए हैं, मरियम नवाज के पीछे जाए, हसन नवाज के पीछे जाए, जिसने बड़े बड़े मतलब इंग्लैंड में उनकी क्राइम एजेंसी इन्वेस्टिगेट करे कि जो वहाँ पे मेफेयर पे और यहाँ पे उनके अपार्टमेंट्स हैं और वहाँ पे उसने अपना दिवालियापन डिक्लेयर किया हुआ है कि वो बैंकक्रप्ट है, तो वहाँ पे तो कोई सियासी इंतकाम नहीं हो रहा ना, वहाँ पे भी उन्होंने फ्रॉड किया, यहाँ पे भी फ्रॉड किया। नैब इन चीज नेशनल क्राइम एजेंसी UK की उनको इन्वेस्टिगेट करे, यहाँ पे इंटरपोल के रेड वारंट्स ले और अरेस्ट करके ले जाए शहबाज शरीफ के खिलाफ। ये जिस वक्त ये लोग वजीर आजम और वजीर आला थे, उसके बाद जिस वक्त मैं पावर मिनिस्टर बना, नंदीपुर के प्रोजेक्ट में मैंने FIA को लिखा 41 अरब रुपए वहां से गैब है। नैब सोई हुई है, FIA सोई हुई है, जाके इन्वेस्टिगेट करें ना, अरेस्ट करें, उनके जुमरे में आता है। ये सब के सब पॉलिटिकली मोटिवेट केसेस हैं। पॉलिटिकल कमेटी के हवाले से आपने बात की, हम लोग सियासी पार्टी हैं, हम लोग अपने अंदर जमहूरी तौर पे हर एक बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, अपना माइंड देते हैं, जो डिसीजन फिर वजीर आजम इमरान खान साहब का आता है उसको मनोअन तस्लीम करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने बात कर दी है, पार्टी में हम लोग खुल के बात करते हैं, जो हमारी जमहूरी हक होता है, जिस हमारा पख्तूनों का जिरगा होता है, हर एक चीज डिबेट होती है, फैसला लिखा जाता है, जिरगे का मशर जो फैसला होता है उसको मनोअन तस्लीम किया जाता है। हमारे यहाँ पे वजीर आजम इमरान खान साहब जो फैसला देते हैं हम लोग उसको मनोअन तस्लीम करते हैं। सर ये बताइए, बुशरा बीबी को सियासत से दूर रहने का बैन लगाया था, मतलब फैसला दिया था कि यहाँ पे जो है वो एहतजाज नहीं होगा, इसके बावजूद आपने एहतजाज किया। मैंने इसके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत केस भी दायर हुआ है। मैंने इसके बारे में आपको बता दिया कि जिस कानून की बुनियाद गलत होती है वो गलत ही होती है। ये हुकूमत ही जाली, इसने जो कानून पास किया था वो ही गलत है, उसकी बुनियाद कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइए कि बुशरा बीबी को सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया गया, किसी ने नहीं दिया। थैंक यू। साहब ये भी बताया कि काफी कारकुनान गिला कर रहे हैं कि कयादत चैलेंज के वक्त वहां पर मौजूद नहीं थी गिरफ्तारी का। भाई मेरे सबसे पहली बात यह है कि कयादत के बारे में आप बात करें, ये मेरा भाई दाई तरफ फैसल अमीन गंडापुर साहब, ये वहीं पे डी चौक पे थे। मेरा भाई अली अमीन खान गंडापुर साहब
जिसके ऊपर डेथ रेट सी, जिसको मैं घसीट के मैंने बिठाया अंदर, जिस वक्त वो बाहर बार बार निकल रहा था क्योंकि स्नाइपर्स का हमें पता लग गया था, मैं खुद वहाँ पे डी चौक पे मौजूद था, मैं खुद वहाँ पे जाके फिर रहा था। हमने मतलब छाती पे राउंड खाया है, छाती पे टीयर गैस शेल्स खाई हैं, यहाँ पे खाई हैं, मतलब हम तो फ्रंट से लीड करते हैं। और कोई बात करें ना, 25 मई को भी हमने, 25 मई 2022 को भी 46 लाठियाँ खाई और हमने वहाँ पे पत्थरगढ़ का जो रुकावट थी वो खोली, इस बार भी खोली, हमारी वर्कर्स ने खाई। तो लिहाजा हमारी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी, चीफ मिनिस्टर मौजूद था, लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद था, बुशरा बीबी मौजूद थी, बाकी लीडरशिप मौजूद थी।